वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चेलशा। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग के बारे में। ठीक है, आज की क्लास में हम देखेंगे कि स्ट्रिंग को कैसे एक्सेस किया जा सकता है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है और स्ट्रिंग के ऊपर कौन कौन से फंक्शंस अप्लाई किए जा सकते हैं। अब स्ट्रिंग क्या होती है ये आपको पता है कि भाई स्ट्रिंग क्या होती है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है। वैसे अब पाइथन में कोई ऐसा स्पेशली कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता, अगर हम स्ट्रिंग में एक सिंगल कैरेक्टर अप्लाई कर देते हैं तो वही क्या बन जाता है, एक कैरेक्टर यहाँ पे बन जाता है, कैरेक्टर डेटा टाइप वही पे वो मान लिया जाता है। ठीक है, अब स्ट्रिंग कितने टाइप की होती है, सिंगल लाइन होती है और मल्टी लाइन स्ट्रिंग होती है। कैसे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है ये आप ऑलरेडी जानते हो, हमने जब हम लिटरल की क्लास कर रहे थे तब हमने वहां पे ये सारी बातें डिस्कस करी थी। ठीक है, एक स्ट्रिंग को आप सिंगल कोट से रिप्रेजेंट करते हो, डबल कोट्स में करते हो, ट्रिपल कोट्स में करते हो, ट्रिपल कोट्स का क्या बेनिफिट है ये सब भी हो गया, तो इनको हम दोबारा रिवाइज यहाँ पे नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जो नई बातें हैं वो सुनो, वो क्या है आपकी कि यहाँ पे देखो कि जो कंप्यूटर है वो डजंट अंडरस्टैंड दी कैरेक्टर्स। ठीक है, इतना हमें पता है कि कंप्यूटर को क्या नहीं समझ में आते, कैरेक्टर समझ में नहीं आते, तो वो क्या करेगा, इन कैरेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, जीरो और वन की फॉर्म में ही वो इन कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। ईच कैरेक्टर इज एनकोडेड इन द आस्की और यूनिकोड कैरेक्टर। जो पाइथन होता है उसके अंदर हम दो एनकोडिंग को यूज करते हैं, एक यूज होती है आपकी आस्की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और सेकेंड एनकोडिंग टेक्निक यहाँ पे यूज होती है आपकी यूनिकोड कैरेक्टर। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे UTF-8 यूज होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो पाइथन स्ट्रिंग्स है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स। अब एक पाइथन स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को कैसे एक्सेस किया जाता है, तो सिंपल सी बात है हम उसके इंडेक्स की हेल्प से एक्सेस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो बात जानने वाली है वो ये है कि स्ट्रिंग के अंदर आपका पॉजिटिव इंडेक्स भी होता है और नेगेटिव इंडेक्स भी होता है। अब इस यहाँ पे इस फिगर को देखिए, मैंने यहाँ पे पाइथन एक स्ट्रिंग एंटर करवाई। अब अगर आप यहां से मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएंगे तो क्या है आपका, पॉजिटिव इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5। और अगर आप राइट साइड से स्टार्ट करेंगे तब क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव इंडेक्स हो जाएगा। एंड यहाँ पे -0 नहीं होता, क्योंकि 0+0 हो या -0 हो वो एक ही माना जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे 0 ही होता है, -0 जैसा कोई इंडेक्स नहीं है। जो आपका नेगेटिव साइड है उसमें आपका जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो होता है -1 से, -1, -2, -3, -4, -5, -6। चलिए आगे देखते हैं, एक एग्जांपल देखो। यहाँ पे str एक वेरिएबल है जिसमें हेलो स्ट्रिंग को हमने इंसर्ट किया, डबल कोट्स में लिखा है। अब इसके इंडेक्स की हेल्प से हम कैसे इनको एक्सेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए h का इंडेक्स क्या है, 0, e का 1, l का 2, l का 3 और o का 4। 0, 2, 4 यहाँ पे क्या है आपके इंडेक्स है। अगर लेंथ पूछी जाए तो इसकी टोटल लेंथ कितनी रहेगी, 5। मतलब अगर आप 0 से स्टार्ट करो तो 4 में क्या कर दो, एक ऐड कर दो, 5 आ जाएगा, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अगर आपको इस h को एक्सेस करना है तो हम क्या यूज करेंगे, str और स्क्वायर लार्ज ब्रैकेट के अंदर आपको क्या डालना है, उस इंडेक्स की इंडेक्स नंबर डालना है। तो str 0 क्या प्रिंट करके देगा ये h, str 1 e, str 2 l, str 3 l, str 4 o और str 6। अब यहाँ पे str6 कोई भी इंडेक्स नंबर नहीं है, तो ये क्या प्रिंट करके देगा, ये आपको एक एरर देगा और उस एरर का नाम क्या रहेगा, इंडेक्स एरर। याद रखना, इंडेक्स एरर कौन सा होता है, जब आप कोई ऐसी वैल्यू को प्रिंट करवाना चाह रहे हो जो इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो वो एक इंडेक्स एरर होता है। इस मतलब कि स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इंडेक्स एरर क्या होता है, तो ये क्या हो गया आपका, इंडेक्स एरर हो गया। जब हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग करेंगे तब आपको मैं बताऊंगी इंडेक्स एरर क्या होता है, टाइप एरर क्या होता है, और भी बहुत सारे एरर होते हैं, नेम एरर होता है, सिंटेक्स एरर होता है, तब हम वहां पर डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया, हमने स्ट्रिंग को इंडेक्स की हेल्प से क्या करवा लिया, एक्सेस करवा लिया। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है, स्लाइस का मतलब क्या हो गया, आपके पास एक स्ट्रिंग है और आप उसका एक सब पार्ट एक्सेस करना चाहते हैं, मतलब उसका एक पोर्शन आपको निकालना है, तो वो क्या हो गई यहाँ पे, उसको हम स्लाइसिंग बोलते हैं। स्लाइसिंग को
आपको यूज करने के लिए क्या चाहिए, एक स्लाइसिंग ऑपरेटर चाहिए, और स्लाइसिंग ऑपरेटर आप किसको बोलोगे, तो यहाँ पे कोलन को हम क्या बोल रहे हैं, स्लाइसिंग ऑपरेटर। अब यहाँ देखो ये क्या है, आपकी स्ट्रिंग है जो कि हेलो इसके अंदर हमने इंसर्ट करवाया और 0, 1, 2, 3, 4 क्या हो गई, इसकी इंडेक्स वैल्यू हो गई। अब यहाँ str0 is equal to h, str1 is equals to e, str2 is equals to l, str3 is equals to l, str4 is equals to o. O ये क्या है आपका, इंडेक्स की हेल्प से हमने क्या किया है, इन एलिमेंट को एक्सेस किया। अब इनकी स्लाइसिंग कैसे करोगे, तो यहाँ पे देखिए स्लाइसिंग में आप इस तरह से स्ट्रिंग को यूज कर सकते हो, str स्क्वेयर लार्ज ब्रैकेट, जैसे हमने रेंज फंक्शन यूज किया था ना, उसके अंदर भी आपने तीन वैल्यू डाली थी, स्टार्ट स्टॉप और एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। उसी तरह जब आप स्लाइसिंग करते हो तो यहाँ पे भी टोटल कितने पैरामीटर होते हैं, तीन पैरामीटर होते हैं, और तीनों पैरामीटर ही क्या है आपके, ऑप्शनल होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इन तीनों पैरामीटर में जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो क्या रहेगी आपकी, जीरो रहेगी। स्टॉप वैल्यू क्या है आपकी, अगर आपने मेंशन नहीं करी है तो स्ट्रिंग का जो लास्ट नंबर है वो क्या रहेगा, इसका लास्ट वैल्यू रहेगी, बाय डिफॉल्ट 1 से ये इंक्रीमेंट होती है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं किया है, ना स्टार्ट ना स्टॉप, कोई भी वैल्यू आपने यहाँ पे नहीं दी है। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप कुछ भी नहीं दिया, तो क्या करेगा, एकदम जीरो से ये स्टार्ट करेगा प्रिंट करवाना, और कहां तक प्रिंट करवाएगा, लास्ट तक प्रिंट करवाएगा, तो मतलब पूरी स्ट्रिंग को ही ये क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें आपने स्टार्टिंग वैल्यू दे दी जीरो, लेकिन एंडिंग वैल्यू नहीं दी, तो एंडिंग वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो स्ट्रिंग की लास्ट वैल्यू है वो क्या है आपकी, यहाँ पे 4, तो ये लास्ट तक प्रिंट करवाएगा। या फिर आप समझ सकते हो कि स्ट्रिंग की टोटल लेंथ कितनी है, यहाँ पे 5, ठीक है। रेंज फंक्शन में भी वो n माइनस 1 प्रिंट करता था, तो यहाँ पे अगर इसकी आप लेंथ की वैल्यू 5 लेके चल रहे हो तो ये क्या प्रिंट करके देगा आपको, 5 माइनस 1, मतलब कि 4 तक ही प्रिंट करके देगा, और 4 क्या है आपका, लास्ट कैरेक्टर है, ठीक है। तो समझ में आया स्लाइसिंग कैसे यूज हो रही है, यहाँ पे आपने 0 नहीं दिया, स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी, तो बाय डिफॉल्ट 0 ही है, लास्ट वैल्यू आपने यहाँ पे 5 मेंशन कर दी है, तो मतलब 5 मेंशन कर दी तो 5 माइनस 1 ये 4 तक ही प्रिंट करके देगा। यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी है लेकिन हमने एंडिंग वैल्यू 3 दी है, तो मतलब क्या प्रिंट करेगा, ये 0 की वैल्यू प्रिंट करेगा, 1 की वैल्यू प्रिंट करेगा, 2 की वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है। 3 माइनस 1 2 की वैल्यू ये प्रिंट करेगा, तो एच ई एल आ गया। 0:2, तो यहाँ पे देखिए 0 की वैल्यू क्या है एच, और 1 की वैल्यू क्या है ई, और यहाँ पे प्रिंट कहां तक करेगा, 2 माइनस 1, मतलब 1, तो क्या प्रिंट करके देगा आपको, ये 0 और 1 की वैल्यू, जो क्या है आपकी एच और ई। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग को कैसे यूज करते हैं। अगर आपको रेंज फंक्शन समझ में आया है तो आपको स्लाइसिंग भी समझ में आ गई होगी। बस इतना याद रखना है कि आपको ये जो लास्ट आप एंडिंग वैल्यू देते हो, उस एंडिंग वैल्यू मतलब कि एंड वैल्यू माइनस में 1, ये प्रिंट आपको करके देता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग 1, 2, 4, तो मतलब कि 1 क्या है आपका, 1 की वैल्यू प्रिंट करेगा, 2 की वैल्यू करेगा, 3, और लास्ट वैल्यू 4 माइनस 1 3 ही रहेगी, यहाँ पे 1, 2, 3 प्रिंट करेगा, ई एल एल, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे चलिए आगे चलते हैं, रिवर्सिंग ए पाइथन स्ट्रिंग, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है इसके बारे में कि आप एक स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करते हो, बाय यूजिंग स्ट्रिंग स्लाइसिंग मेथड। तो यहाँ पे देखिए अगर आप इस तरह से स्लाइसिंग मेथड को यूज करो, मतलब कि अभी तक हम सिर्फ इस तरह से यूज कर रहे थे, पॉजिटिव इंडेक्स को यूज कर रहे थे, है ना, पॉजिटिव इंक्रीमेंट कर रहे थे, लेकिन अगर आप यहाँ इस तरह से करो कोलन कोलन माइनस 1, तो इसका मतलब स्टार्टिंग वैल्यू आपकी यहाँ पे और एंडिंग वैल्यू ये आपने यहाँ पे नहीं दी है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, माइनस 1 कर रहे हो, इसका मतलब आप पीछे से चलोगे, बैक साइड से इस बार स्ट्रिंग को क्या करोगे, ट्रावर्स करोगे। तो बैक साइड से अगर ट्रावर्स करोगे तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, जो एंड वैल्यू है वो क्या बन जाएगी इसकी, स्टार्टिंग वैल्यू बन जाएगी, और यहाँ पे स्टॉप वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो क्या बन जाएगी इसकी, स्टॉप वैल्यू बन जाएगी। मतलब आप अगर यहाँ पे 5, आपकी स्ट्रिंग में टोटल 5 कैरेक्टर्स है, 0, 2, 4 की अगर हम बात करें तो टोटल कितने कैरेक्टर है, 5, तो एंड क्या होगी, यहाँ पे 5 से स्टार्ट करेगा कॉलन, स्टॉप कहाँ पे करेगा, ये आपका 0 पे हम इसको स्टॉप करेंगे, मतलब 0 अगर आपने लिखा है तो इससे 1 कम, मतलब ये 1 तक ही स्टॉप करेगा, और माइनस 1 हो रहा है, इसका मतलब 5, 4, 3, 2, 1,
इस तरह से ये प्रिंट करके देगा। तो अगर आपने इस तरह से इसको लिखा है, अपनी स्लाइसिंग को माइनस वन यहाँ पे यूज किया है, तो मतलब ये रिवर्स से स्टार्ट करेगा। स्टार्टिंग और स्टॉप वैल्यू अगर आपने नहीं दी तो ये आपकी स्ट्रिंग को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो इस तरह से आएगा, ओ डबल एल ई एच। तो इस फंक्शन को याद रख लेना कि रिवर्स के लिए कैसे लिखा जाता है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है इस फंक्शन की क्या आउटपुट आएगी। तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है रीअसाइनिंग स्ट्रिंग्स। अब देखिए, जब हम डेटा टाइप कर रहे थे, जब हम लिटरल कर रहे थे, तब मैंने आपको दो आपको टर्म बताई थी, एक थी म्यूटेबल और एक थी इम्यूटेबल, दोनों में डिफरेंस भी बताया था। तब मैंने वहां पे आपको बताया था कि जो स्ट्रिंग होती है वो इम्यूटेबल होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रिंग की वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। एक बार आपने स्ट्रिंग को जो वैल्यू असाइन कर दी, आप उसको क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। मतलब कि उसके किसी एक सिंगल कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। अब यहां देखिए, str क्या है, आपका वेरिएबल है, इसमें हमने हेलो स्ट्रिंग को इंसर्ट करवाया, और अब आप यहाँ पे क्या चाह रहे हो, str 0 इज इक्वल्स टू h। क्या करना चाह रहे हो कि आप h मतलब 0, इस h की जगह आप स्मॉल h यहाँ पे लिखना चाह रहे हो, वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हो। तो क्या आएगा, ये एक एरर आएगा। क्या एरर आएगा कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, टाइप एरर आएगा। क्योंकि स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है, तो मतलब आप इसके एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को या पार्शियली आप इसको क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, आप रिप्लेस नहीं कर सकते। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप इस str वेरिएबल को कंप्लीटली एक नई वैल्यू दे सकते हो। मतलब कैसे दे सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो लिखा, प्रिंट करवा लिया, उसके बाद फिर से आप सेम वेरिएबल में एक न्यू वैल्यू अगर आप दोगे एंड प्रिंट करवाओगे, तो इस बार ये नई वैल्यू अपडेट होगी। अब आपके प्रोग्राम में जब भी आप str को कॉल करोगे, तो कौन सी वैल्यू रेफर की जाएगी, आपकी ये जो न्यू वैल्यू असाइन हुई है उसको रेफर किया जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आया कि स्ट्रिंग जो वैल्यू है उसको आप पार्शियली चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कंप्लीटली उसको एक न्यू वैल्यू असाइन कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आता है डिलीटिंग द स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग को कैसे डिलीट करोगे। अब स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, इसका मतलब आप उसके एक सिंगल कैरेक्टर को डिलीट नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हो, आप पूरी की पूरी स्ट्रिंग को डिलीट कर सकते हो। कैसे डिलीट करोगे, डेल कीवर्ड को यूज करके। कौन से कीवर्ड को यूज किया जाएगा, डेल कीवर्ड। अब यहाँ पे देखिए, स्ट्रिंग इज इक्वल टू पाइथन डेल str 0। यहाँ पे मैं सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर को डिलीट करना चाह रही हूँ, मतलब p को डिलीट करना चाह रही हूँ। क्या आएगा, एक टाइप एरर आएगा। टाइप एरर का मतलब क्या हो गया कि जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है डजंट सपोर्ट आइटम डिलीशन। आइटम में ना तो आप एडिट कर सकते हो, ना ही आइटम में आप कोई डिलीशन कर सकते हो, ना मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ये सब क्या है, आपका टाइप एरर है। क्या कर सकते हो आप, सिंपली ऐसे लिख सकते हो डिलीट str। अब प्रिंट करवाओ str। अब आपकी स्ट्रिंग डिलीट हो चुकी है, अब और आप इस स्ट्रिंग को प्रिंट करवा रहे हो, आपका क्या आएगा, एक नेम एरर आएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग अभी एग्जिस्ट नहीं करती। तो नेम एरर आएगा, ये str है, सिर्फ str 1 नहीं है। नेम एरर क्या आया कि आप जिस स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना चाह रहे हो वो स्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं करती, हमने उसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे हमने सीखा कि एक स्ट्रिंग को कैसे डिलीट किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि एक स्ट्रिंग में कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज होते हैं। तो प्लस ऑपरेटर यूज होता है। प्लस ऑपरेटर का नाम क्या है, यहाँ पे कंकैटिनेशन ऑपरेटर। कंकैटिनेशन ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ कि ये किन्हीं दो स्ट्रिंग को क्या करता है, जोड़ता है, ऐड करता है। जैसे अगर हम यहाँ पे ए एक स्ट्रिंग है प्लस और दूसरी स्ट्रिंग आपकी बी है, बीच में हमने कंकैटिनेशन ऑपरेटर लगाया, तो आपको आउटपुट में क्या आएगा, ए बी, बिना स्पेस के। यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं आएगा और आउटपुट में आपको ए बी शो करके देगा। मतलब इसने इन दो स्ट्रिंग को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। स्टार ऑपरेटर, ये क्या है, आपका रिपीटेशन ऑपरेटर है। ये क्या करेगा, रिपीटेशन ऑपरेटर आपकी उस स्ट्रिंग की मल्टीपल कॉपीज बना देगा। जैसे कि यहां पे मैंने स्ट्रिंग लगाई ए और रिपीटेशन ऑपरेटर 3, तो इसका मतलब 3 बार ए प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप रिपीटेशन ऑपरेटर को यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये क्या है, आपका स्लाइस ऑपरेटर है। ऊपर हमने कॉलन बताया था, वो भी क्या था, आपका स्लाइस ऑपरेटर था जो रेंज डिफाइन कर रहा था। और यहाँ पे कौन सी ब्रैकेट यूज हुई थी, ऊपर स्क्वेयर लार्ज ब्रैकेट्स यूज हुई थी। तो ये क्या हो गया, आपका स्लाइस ऑपरेटर हो गया, जो कि सब स्ट्रिंग को एक्सेस करने के लिए यूज होता है।
कोलन क्या है, ये भी आपका स्लाइस ऑपरेटर है, ये किस लिए यूज हो रहा है आपका, रेंज को स्पेसिफाई करने के लिए। इन आपका क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर हम डिस्कस कर चुके हैं। इन आप और नॉट इन क्या है, ये भी मेंबरशिप ऑपरेटर है। उसके अलावा स्मॉल में आर या कैपिटल में आर, ये क्या है, इसका मतलब है रो स्ट्रिंग। मान लो कई बार आप क्या करते हो, आपने कोई स्ट्रिंग लिखी और जिसमें आपने कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को ऐड कर दिया। स्पेशल कैरेक्टर्स मतलब कि जो बैक स्लैश के साथ आए हैं, उनको क्या कहते हैं हम यहाँ पे, स्पेशल कैरेक्टर्स कहते हैं या फिर एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। जैसे कि स्लैश एन, स्लैश टी, स्लैश पी, ये क्या है आपके एस्केप कैरेक्टर्स है। अब आप अपनी स्ट्रिंग में इनको ऐड कर दिया। यहाँ पे देखो एक ये एग्जाम्पल है, सी कोलन डबल स्लैश पाइथन। अब यहाँ पे ये स्लैश पी, मैं इसमें नहीं चाहती कि ये स्लैश पी एज ए एस्केप कैरेक्टर यहाँ पे काम आए, मुझे चाहिए कि ये स्लैश पी एज इट इज ऐसे का ऐसा प्रिंट हो जाए। तब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे इस स्ट्रिंग की स्टार्टिंग में ही क्या यूज करोगे, आर यूज कर दोगे। स्ट्रिंग की स्टार्टिंग में हमने क्या लगा दिया, आर। इससे क्या होगा कि इंटरप्रेटर को पता चलेगा कि भाई आर मतलब एक रो स्ट्रिंग आ रही है। इसके बाद आपको जितने भी यहाँ पे कैरेक्टर्स मिले उनको एस्केप कैरेक्टर नहीं समझना है, जैसे लिखा गया है केवल वैसे ही आपको प्रिंट करके देना है। तो ये क्या होती है आपकी, यहाँ पे रो स्ट्रिंग होती है। परसेंटेज किस लिए यूज करते हैं, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में यूज करते हैं। जैसे कि आपने सी प्रोग्रामिंग में भी देखा होगा प्लस परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ, ये सब क्या है आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर्स है। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है जिसमें हमने ये सारे ऑपरेटर्स को यहाँ पे यूज किया गया। यहाँ पे एक पैरेंथेसिस मिसिंग है, एक एसटीआर आपकी हेलो है, एक एसटीआर वन में हमने यहाँ पे वर्ल्ड लिखा है, प्रिंट एसटीआर मल्टीप्लाई थ्री, मतलब ये क्या आपका रिपीटेशन ऑपरेटर है। तो यहाँ पे आपका हेलो तीन बार प्रिंट होगा। सेकेंड आपका है एसटीआर प्लस एसटीआर वन, यहाँ पे एसटीआर में हेलो है, एसटीआर वन में वर्ल्ड है, तो हेलो वर्ल्ड। नेक्स्ट है आपका एसटीआर फोर, तो फोर यहाँ पे क्या है, जीरो वन टू थ्री फोर, मतलब क्या प्रिंट होके देगा, ओ। एस टी आर टू कॉलन फोर, मतलब टू की वैल्यू और फोर माइनस वन थ्री, तो टू और थ्री की वैल्यू क्या क्या है यहाँ पे, जीरो वन टू थ्री, तो एल और एल आपकी आउटपुट आएगी। प्रिंट डब्ल्यू इन एस टी आर, इन मेंबरशिप ऑपरेटर है, क्या डब्ल्यू आपका एस टी आर में है या नहीं, अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फोल्स। तो यहाँ पे str में w नहीं है तो आउटपुट क्या आएगी, फॉल्स आएगी। प्रिंट wo नॉट इन str1, क्या wo str1 में नहीं है, अगर नहीं है तो ये स्पेस नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, अगर नहीं है तो ट्रू और है तो फॉल्स ना। तो wo क्या है, इसके अंदर है तो मतलब इसने क्या दिया यहाँ पे, फॉल्स देना है। उसके बाद प्रिंट r, यहाँ पे रो स्ट्रिंग यूज हो रही है, मतलब कि ये स्ट्रिंग एज इट इज आपको प्रिंट होके दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ पे हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप आउटपुट को चेक कर सकते हो, आपकी आउटपुट इस तरह से शो होगी। नेक्स्ट आता है आपका पाइथन स्ट्रिंग फंक्शन। अब पाइथन स्ट्रिंग फंक्शन क्या कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके एक तो है कैपिटलाइज फंक्शन। कैपिटलाइज फंक्शन क्या करता है, आपकी स्ट्रिंग के जो आपकी स्ट्रिंग है उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है ना उसको कैपिटल कर देगा। मान लीजिए आपकी स्ट्रिंग में आपने लिखा कि वेलकम टू अवर चैनल, है ना, तीन वर्ड लिखे आपने, फोर वर्ड है यहाँ पे वेलकम टू अवर चैनल, तो इसमें W को क्या लिखेगा, कैपिटल लिखेगा, बाकी सभी आपके स्मॉल में चलेंगे, तो ये क्या होता है आपका कैपिटलाइज होता है। उसके बाद एक काउंट फंक्शन है, यहाँ पे स्ट्रिंग बिगिन और एंड, ये क्या करेगा, काउंट द नंबर ऑफ अक्रेंस ऑफ ए सब स्ट्रिंग इन ए स्ट्रिंग बिटवीन बिगिन एंड एंड इंडेक्स का, आप जो भी यहाँ पे स्ट्रिंग में काउंट करवाना चाह रहे हो उनको क्या करके देगा, ये आपके काउंट करके देगा नंबर ऑफ अक्रेंस ऑफ ए सब स्ट्रिंग। एंड्स विद, इसमें हम ये चेक करेंगे कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो उस पर्टिक्यूलर कैरेक्टर से या उस पर्टिक्यूलर सब स्ट्रिंग से एंड हो रही है या नहीं, अगर वो एंड हो रही है तो ट्रू देगा, नहीं हो रही है तो फॉल्स देगा। फाइंड, ये हम यूज करते हैं किसी भी स्ट्रिंग में, मान लीजिए आपको कोई एक सब स्ट्रिंग सर्च करनी है तो उसके लिए क्या यूज करोगे, आप फाइंड यूज करोगे। आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, इंडेक्स वैल्यू मिलती है, यहाँ पे इंडेक्स है, ये क्या करता है, अब यहां देखो फाइंड और इंडेक्स ये दोनों ही क्या देता है, इंडेक्स वैल्यू देता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, अगर आप
आपको वो पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग नहीं मिलती है तो फाइंड में कोई भी एरर थ्रो नहीं होता, लेकिन जो इंडेक्स फंक्शन है उसके अंदर ये एक एक्सेप्शन थ्रो करता है अगर उसको स्ट्रिंग नहीं मिली। बाकी ये मेथड फाइंड मेथड के जैसा ही है। इज एल नम, इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा न्यूमेरिक, क्या वो स्ट्रिंग अल्फा न्यूमेरिक है? अगर है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। इज अल्फा, क्या वो स्ट्रिंग अल्फाबेटिकल है? मतलब केवल कैरेक्टर्स होने चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक में कैरेक्टर्स और नंबर्स दोनों होने चाहिए तभी वो ट्रू देगा। इज है, इसका मतलब ट्रू और फॉल्स बुलियन वैल्यू ही आएगी। तो इज अल्फा, क्या उसमें ओनली कैरेक्टर्स है? अगर है तो ट्रू। उसके बाद इज डिजिट फंक्शन, ये क्या करेगा? ये ट्रू रिटर्न कब करेगा? जब सभी कैरेक्टर्स क्या है, डिजिट्स में है, सभी कैरेक्टर्स डिजिट में है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी आप डिजिट लिखोगे ना, वो आपकी सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में आप उनको मेंशन करोगे, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर्स लिखा गया है, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर सुपरस्क्रिप्ट भी अलाउड है और सबस्क्रिप्ट भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो इस डिजिट फंक्शन आपका यहाँ पे डिजिट के लिए, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के लिए क्या करता है? ट्रू देता है। इस न्यूमेरिक फंक्शन क्या करता है? ये आपका यहाँ पे न्यूमेरिक कैरेक्टर्स के लिए ट्रू करेगा। क्या करेगा? इफ स्ट्रिंग कंटेन्स न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, मतलब 0 to 9। इसके अलावा यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट भी अलाउड है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे एक्सपोनेंट भी अलाउड है, ठीक है। इस न्यूमेरिक फंक्शन में आपका क्या अलाउड है? एक्सपोनेंट वैल्यूज भी यहाँ पे अलाउड है, ये उसके लिए ट्रू रिटर्न करेगा। इस लोअर फंक्शन और इस अपर फंक्शन क्या करता है? इस लोअर फंक्शन क्या करेगा? अगर आपकी स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर्स लोअर केस में है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। इस अपर फंक्शन ये क्या करेगा? अगर स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर्स अपर केस में है तो ट्रू रिटर्न करेगा। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है, ठीक है। इज स्पेस, इसका मतलब कि आपकी स्ट्रिंग में केवल एम्प्टी वाइट स्पेस होना चाहिए। इज टाइटल, इस वाले को देखो, इस टाइटल का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारी स्ट्रिंग है वेलकम टू अवर चैनल, इस स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड्स है हर वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर को ये क्या कर देता है? कैपिटल में कर देता है, ठीक है। इज अपर क्या करेगा यहाँ पे? रिपीट हो गया इज अपर, है ना, इज अपर रिपीट हुआ। नेक्स्ट है हमारा जॉइन फंक्शन। अब जॉइन फंक्शन क्या होता है कि इसमें आपने एक सीक्वेंस मेंशन करी, ठीक है। एक तो हम इसमें एक सीक्वेंस देते हैं, दूसरा आप यहाँ पे जॉइन के स्टार्टिंग में क्या दोगे? एक और यहाँ पे कैरेक्टर को या फिर कोई स्ट्रिंग है उसको भी यहाँ पे शो करोगे। अब जो यहाँ पे आपने जॉइन में स्टार्टिंग में जो भी आपने स्ट्रिंग या कैरेक्टर यहाँ पे यूज किया है, उस कैरेक्टर से ये आपकी सीक्वेंस क्या होगी, इसके हर एलिमेंट को उसमें मर्ज किया जाएगा। ये क्या है आपकी? हेलो आपने यहाँ पे एक सीक्वेंस के अंदर एंटर करवाया और इसके स्टार्टिंग में हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पे आपने अंडरस्कोर दे दिया। तो हेलो मतलब एच अंडरस्कोर ई अंडरस्कोर एल अंडरस्कोर एल अंडरस्कोर ओ। तो मतलब जॉइन के स्टार्टिंग में आप क्या यूज कर रहे हो, जिससे आप जॉइन करवाना चाहते हो वो स्ट्रिंग या कैरेक्टर, और यहाँ पे अंदर क्या यूज करोगे, वो सीक्वेंस जिससे आपको मर्ज करवाना है। तो ये क्या हो गया आपका? जॉइन फंक्शन हो गया, ठीक है। लैन स्ट्रिंग, ये क्या करता है? लेंथ देता है। लोअर फंक्शन लोअर केस में चेंज कर देगा। उसके बाद है यहाँ पे एल स्ट्रिप फंक्शन, और एक है आपका आर स्ट्रिप फंक्शन, और एक होता है एस स्ट्रिप फंक्शन, ठीक है। तीन होते हैं ये आपके, एल स्ट्रिप आर स्ट्रिप और एक एस स्ट्रिप फंक्शन। तो यहाँ पे एस स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है कि लेफ्ट और राइट में जितने भी आपके वाइट स्पेस है ना उनको रिमूव कर देता है। एल स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है, लेफ्ट साइड में जितने भी वाइट स्पेस है उनको रिमूव करेगा। आर स्ट्रिप फंक्शन क्या करेगा, राइट साइड में जितने भी वाइट स्पेस है उनको रिमूव कर देगा। पार्टीशन क्या करता है, ये पार्टीशन के अंदर हम हमारी स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इसमें हमें क्या देना होगा, एक सेपरेटर देना होगा। जैसे जॉइन में हम एक सीक्वेंस देते हैं जिससे कि स्ट्रिंग जॉइन हो जाती है, उसी तरह से हम इसके अंदर क्या देते हैं, एक सेपरेटर देते हैं। नेक्स्ट है आपका रिप्लेस। फाइंड में क्या किया हमने, किसी भी सब स्ट्रिंग को फाइंड किया। रिप्लेस में आप क्या कर रहे हो, उसे किसी नए कैरेक्टर से रिप्लेस करोगे। स्प्लिट फंक्शन, स्प्लिट क्या करता है आपका, जैसे पार्टीशन होता है सेपरेट करता है, वैसे ही आपका स्प्लिट फंक्शन भी क्या करता है, सेपरेट करता है, ठीक है। उसके बाद है स्टार्ट विद, इसके अंदर हम कोई भी सब स्ट्रिंग दे देंगे, अगर आपकी स्ट्रिंग उससे स्टार्ट हो रही है तो ये क्या देगा, ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देता है। स्वैप केस,
स्वैप केस का मतलब लोअर टू अपर में चेंज हो जाएगा, अपर को लोअर में चेंज कर देगा। टाइटल फंक्शन, टाइटल फंक्शन हमने अभी डिस्कस कर लिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी स्ट्रिंग टाइटल केस में कन्वर्ट करेगा। कैसे कन्वर्ट करेगा आपकी स्ट्रिंग को टाइटल केस में, कि उस स्ट्रिंग के हर वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर को ये कैपिटल कर देगा। अपर फंक्शन क्या कर देगा, सभी कैरेक्टर्स को अपर केस में चेंज कर देगा। एक एग्जांपल देखो, इसमें सारे फंक्शंस आपके अप्लाई किए गए हैं। एस इज इक्वल्स टू हेलो एवरीवन, यहाँ पे एच ई एल कैपिटल है, स्मॉल में है, और यहाँ पे एल आपका कैपिटल है, ओ यहाँ पे स्मॉल है, एवरीवन बीच में एक स्पेस गिवन है यहाँ पे, और एक स्ट्रिंग आपकी एस वन है जिसमें वाइट स्पेस है ओनली, ठीक है। तो प्रिंट करवाया हमने एस डॉट कैपिटलाइज फंक्शन, ये क्या करेगा आपकी स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल कर देगा। इसका मतलब हेलो एवरीवन में एच को क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा। एस डॉट लोअर फंक्शन, ये क्या करेगा, हेलो एवरीवन के सभी कैरेक्टर्स को लोअर केस में चेंज कर देगा। एस डॉट अपर फंक्शन, ये सभी कैरेक्टर्स को अपर केस में चेंज कर देगा। एस डॉट स्वैप केस फंक्शन, ये क्या करेगा, जो लोअर में है उनको अपर और जो अपर में है उनको लोअर में चेंज करके दिखाएगा। एस डॉट टाइटल फंक्शन, ये क्या करेगा, हेलो के एच को और एवरीवन के ई को कैपिटल में चेंज कर देगा। एस डॉट काउंट ई, अब यहाँ पे आपको इस एस स्ट्रिंग में हेलो एवरीवन में ई काउंट करने हैं कि टोटल कितने ई है, 1, 2, 3, 4, तो आउटपुट में आपको 4 मिलेंगे। लेंथ ऑफ एस, एस स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करनी है, टोटल कितनी लेंथ है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 है, लेकिन ये 0 से स्टार्ट हुई है, तो इसका मतलब 13 प्लस 1 टोटल कितनी आएगी आपके आउटपुट में, 14 आएगी। S dot is L num, क्या S string अल्फा न्यूमेरिक है, तो इसके अंदर अल्फाबेट्स तो है लेकिन नंबर्स नहीं है, तो मतलब ये फॉल्स आएगा। S dot is lower function, क्या आपकी S string लोअर केस में है, इसमें L कैपिटल में है, तो ये भी फॉल्स आएगा। S dot is upper function, क्या ये अपर केस में है, वो भी नहीं है, सारी अपर केस में नहीं है। S dot is alpha function, क्या ये अल्फाबेट्स बैटिक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें भी फॉल्स आएगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक स्पेस आ रहा है, ये स्पेस भी अगर नहीं होता ना तो ये ट्रू देता, तो इसीलिए अल्फाबेटिक में क्या होना चाहिए, ओनली अल्फाबेट्स होने चाहिए, स्पेस भी वहां पे अलाउड नहीं है। एस डॉट इज डिजिट फंक्शन, क्या इसके अंदर डिजिट है, नहीं है, तो ये भी फॉल्स देगा। एस डॉट इज टाइटल फंक्शन, क्या ये टाइटल केस में है, तो ये टाइटल केस में नहीं है, टाइटल केस में कब होती, जब ये एच कैपिटल होता और ई कैपिटल होता, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। एस डॉट इज न्यूमेरिक फंक्शन, वो नंबर्स में भी नहीं है, तो ये भी फॉल्स है। एस वन डॉट इज स्पेस, क्या एस वन के अंदर स्पेस है, केवल स्पेस इसके अंदर है, तो मतलब ये ट्रू देगा, ठीक है। प्रिंट एस डॉट एंड्स विद वन, क्या आपकी एस स्ट्रिंग वन से एंड हो रही है, तो देखो वन से एंड हो रही है, तो मतलब ट्रू देगा। उसके बाद है आपकी प्रिंट एस डॉट स्टार्ट्स विद ईवी, क्या आपकी एस स्ट्रिंग ईवी से स्टार्ट हो रही है, नहीं हो रही, ये तो एच ई से स्टार्ट हो रही है, तो ये फॉल्स देगा। उसके बाद एस डॉट फाइंड ई, इस स्ट्रिंग में ई को फाइंड करना है, तो अब इस स्ट्रिंग में ई बहुत सारे हैं, तो ये जो पहली अक्रेंस है ई की, मतलब पहली पोजीशन ई की, उसको आपको रिटर्न करके देगा। पहली पोजीशन कहाँ पे है, यहाँ पे, कौन, क्या क्या पोजीशन है ई की, एच की 0, ई की 1, तो आपका आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका फंक्शन प्रिंट एस डॉट इंडेक्स 1, अब 1 का इंडेक्स वैल्यू कितना है, तो 1 की इंडेक्स वैल्यू देखिए, हेलो एवरी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ओ कहाँ पे आ रहा है, 11 पे, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे फंक्शन है आपका प्रिंट एस डॉट रिप्लेस हेलो टू हाई, तो मतलब यहाँ पे आपको हेलो को किससे रिप्लेस कर देना है, हाई से रिप्लेस कर देना है, क्या प्रिंट होके आएगी आपकी आउटपुट, हाई एवरीवन। एसटीआर डैश डॉट जॉइन हेलो, यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी सीक्वेंस है हेलो, और उसके अंदर हमने जो आपका जॉइन करने के लिए जो यहाँ पे फंक्शन आपका कैरेक्टर यूज किया है वो है आपका डैश, प्रिंट करवानी है एसटीआर, तो कैसे प्रिंट होके आएगी, एच डैश ई डैश एल डैश एल
डैश ओ, अब ये ओ के बाद में डैश नहीं आएगा, ठीक है, उसके बाद है एस टी आर आई लव पाइथन। तो यहाँ पे स्ट्रिंग क्या है आपकी, आई लव पाइथन, प्रिंट क्या करवाना है, एस टी आर डॉट पार्टीशन लव। यहाँ पे हमने सेपरेटर क्या यूज किया है, लव यूज किया है, लव सेपरेटर यहाँ पे गिवन है ना। तो आपकी स्ट्रिंग क्या प्रिंट होके आएगी, यहाँ पे एक तो आएगी आई, ठीक है, एक तो सेपरेटर से पहले की स्ट्रिंग, एक सेपरेटर के बाद की स्ट्रिंग, और एक खुद सेपरेटर। तो यहाँ पे ये हो गई आई, उसके बाद आएगी सेकंड स्ट्रिंग आपकी है लव, और उसके बाद थर्ड स्ट्रिंग आएगी आपकी पाइथन, ठीक है, और ये किसमें आएगी, आपके पैरेंथेसिस में आपको ये आउटपुट शो होके देगी। नेक्स्ट है आपकी माई स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है, हमने यहाँ पे फंक्शन यूज किया है कौन सा, एस ट्रिप फंक्शन, मतलब ये लेफ्ट और राइट स्पेस को रिमूव कर देगा, एंड देन यहाँ पे प्रिंट करवा ली हमने इसकी वैल्यू। नेक्स्ट आपका है टेक्स्ट इज इक्वल्स टू वेलकम टू दी जंगल, तो एक्स इज इक्वल्स टू टेक्स्ट डॉट स्प्लिट फंक्शन, यहाँ पे क्या करवाया हमने, प्रिंट करवानी है एक्स की वैल्यू। यहाँ पे आपने स्प्लिट में क्या दिया है, स्पेस दिया है, तो मतलब यहाँ पे आप सेपरेटर को क्या यूज कर रहे हो, एज ए यहाँ पे स्पेस को एज ए सेपरेटर यहाँ पे यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे आपकी जो स्ट्रिंग आएगी वो क्या क्या आएगी, एक है वेलकम, फिर आपकी टू, फिर आपकी द, फिर आपकी जंगल, और ये आपको स्क्वायर लार्ज ब्रैकेट्स में शो होके मिलेगी। पार्टीशन के आपको पैरेंथेसिस में आउटपुट मिल रही थी, और स्प्लिट फंक्शन के आपको स्क्वायर लार्ज ब्रैकेट्स में मिलेगी। तो यहाँ पे आप इनकी एक बार आउटपुट भी चेक कर सकते हो कि क्या यही आउटपुट हमने ऊपर बताई है, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो। तो ये क्या थे हमारे स्ट्रिंग के फंक्शंस थे। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, क्लास अच्छी लगे तो जरूर शेयर करना। नेक्स्ट क्लास में हम लिस्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।